चीजें हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइवर्ट कर देना थोड़ा यूथ को, वो ज्यादा आसान होता है, इसलिए कई बार यूथ गलत रास्ते पे जाते नजर आते हैं। हाँ, एक आई थिंक किस डायरेक्शन में वो सही डायरेक्शन में जाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो आप लीडरशिप की बात कर रही थी वो भी बड़ा जरूरी है यहाँ पे, तो वही मैं उसको फिर से दोहराना चाहूंगी। तो इसमें लीडरशिप का काफी अहम रोल है कि वो उसको किस डायरेक्शन में सही डायरेक्शन दिशा दिखा रहे हैं या नहीं। और जैसे कि आपने बताया कि कांग्रेस में NSUI में काफी चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, तो एक अच्छा मीन्स स्टेप है और ये और पार्टीज को भी आई थिंक करना चाहिए। जी, कुछ और सवाल शुरुआत ही है लेकिन एक अच्छा वेलकम स्टेप है। जी सर, आप जैसे कह रहे थे कि यूथ कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना चाहिए पॉलिटिक्स में, लेकिन अगर कोई बैंक मैनेजर जैसे रिटायर होता है तो उसकी पोस्ट एक यूथ लेगा, लेकिन जब तक कोई पॉलिटिशियन रिटायर ही नहीं होगा तो उसकी पोस्ट कौन लेगा? कोई ले नहीं सकता, इंटरव्यू कैसे देगा वो? ये इसका जवाब आ चुका है, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। इसका जवाब आ चुका है, इसका जवाब मैं क्लियर करना चाहता हूं कि यूथ और NSUI के लिए हमारे यहाँ एज क्राइटेरिया है, जो साथी NSUI में काम कर